नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं SQL यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की। अब ये है क्या, ये कैसे काम करता है, ये सारी बातें आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो बहुत डीप में एक्सप्लेनेशन आपको इस चीज का देंगे और अच्छे तरीके से समझाएंगे कि SQL होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डेटाबेस आपका क्या होता है। अब डेटाबेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी अगर आप किसी डेटा को कलेक्ट कर ले, बहुत सारा डेटा, लाइक आप मान लीजिए, एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं कि डेटा किस टाइप का हो सकता है। तो किसी डेटा सेट को अगर कलेक्शन ऑफ डेटा मैं बात कर रहा हूं, तो यहां मान लीजिए हो सकता है आपके पास एक परचेज का डेटा हो सकता है आपके पास एक सेल्स का डेटा हो सकता है आपके पास एक प्रोडक्शन का डेटा हो। तो ये तीन टाइप का डेटा है अगर आपके पास। तो अगर आप इन तीनों डेटाबेसेस को कलेक्ट कर लें और वो एक जगह रख दें तो इसे क्या बोलेंगे, डेटाबेस। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि डेटाबेस क्या होता है, ये आप समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट में सबसे पहले आपको ये समझना होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब डेटाबेस को मैनेज करने वाला। अब डेटाबेस को मैनेज करने वाला कौन है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एक स्टोर है आपके पास और इस स्टोर के अंदर आप लोगों के पास काफी सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। और प्रोडक्ट्स जो रखे हुए हैं वो आपके सेक्शन वाइज रखे हुए हैं, यानी अलग अलग सेक्शन में अलग अलग जगह पर जो है प्रोडक्ट्स आपके यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। अब आप क्या करने जा रहे हैं, आप मान लीजिए शॉपिंग कर रहे हैं, तो जब आप शॉपिंग करते हैं तो आपको सेक्शन का पता कैसे चलता है कि किस सेक्शन में कौन सा प्रोडक्ट है। लेट सपोज हो सकता है आपका किड्स का सेक्शन अलग हो, मेंस का सेक्शन अलग हो, उसके बाद वुमेन्स का सेक्शन अलग हो, तीन सेक्शंस हो सकते हैं। इसमें भी अगर आप देखें तो वेरिएशन और भी हो सकता है। लेट सपोज मान लीजिए किड्स के सेक्शन में आप लोगों को बॉयज और गर्ल्स का सेक्शन मिल जाए, उसके अलावा यहां पर आपको स्मॉल, मीडियम और भी बहुत सारे सेक्शंस मिल सकते हैं, स्मॉल साइज, मीडियम साइज, लार्ज साइज, सेम इसमें भी आपको स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज के सेक्शन मिल सकते हैं। यानी कई सारे सेक्शंस आप देख रहे हैं इस स्टोर के अंदर अवेलेबल है, ये पूरा स्टोर है। अब इस स्टोर के अंदर ये वाले सेक्शन में अगर मुझे कहीं जाना है, लेट सपोज मुझे स्मॉल वाले सेक्शन में बॉयज के किड्स में बॉयज के स्मॉल वाले सेक्शन को फाइंड करना है, तो मुझे क्या चाहिए, तो इस प्रोसेस के लिए मुझे एक पर्सन चाहिए जो मुझे ये बता सके कि किड्स के बॉयज के स्मॉल सेक्शंस कहां पर है, जहां पर मैं अपने कपड़े देख सकूं। तो अब ये सेक्शन मुझे कौन बताएगा, तो यहां पर ये सेक्शन के बारे में जो इंफॉर्मेशन मुझे देगा वहां का इंटरनल सेल्समैन देगा। तो जो इंटरनल सेल्समैन अंदर खड़ा रहता है, उस सेल्समैन से आप क्या करते हैं, बोलते हैं कि हमें इस सेक्शन में जाना है और वो इस सेक्शन में आपको ले जाता है। तो वैसे ही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का भी काम होता है। ये जो सेल्समैन इस वक्त आपके पास है, ये सेल्समैन मैनेजमेंट सिस्टम है, एक तरीके से ये आपको मैनेज करके देगा डेटा को, यानी ये मैनेजमेंट सिस्टम है और ये डेटा को क्या करके देगा, आपको मैनेज करके देगा और आपको बताएगा कि डेटा कहां पड़ा हुआ है, किस सेक्शन में पड़ा हुआ है और किस जगह पर स्टोर कर रखा है आपने, ठीक है। तो सही सेक्शन में पहुंचने के लिए आपको एक मैनेजमेंट सिस्टम जरूर चाहिए और इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि मैनेजमेंट सिस्टम के बिना आप पूरे डेटाबेस में कुछ भी ढूंढ नहीं सकते। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें तो यहां पर SQL क्या होता है। अब SQL का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यानी हम अपने डेटाबेस से बात करने के लिए एक क्वेरी लिखते हैं, वो भी स्ट्रक्चर्ड मैनर में, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था। उस क्वेरी के अंदर आपने चेक किया था कि मैंने क्या किया, आपका एक क्वेरी लिखी किड सेक्शन में बॉयज के अंदर स्मॉल, तो ये क्वेरी मैंने जब बताई अपने इंटरनल सेल्समैन को, तो उसने मुझे फटाफट आंसर कर दिया मुझे क्या चाहिए। इसका मतलब मुझे सबसे पहले अपनी क्वेरी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, यानी डेटाबेस से बात करने के लिए एक लैंग्वेज इस्तेमाल होती है जिसे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं, और वो लैंग्वेज हमें लर्न करनी पड़ेगी। और अगर वो लैंग्वेज हम लर्न कर लेते हैं, किसी भी डेटा में जाकर इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, किसी भी डेटा में जाकर हम इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है, डेटा को चेंज कर सकते हैं और साथ ही वहां से डेटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं, यानी इंफॉर्मेशन गैदर भी कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हमने ये देखा कि हम SQL का जो लैंग्वेज है वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, मतलब एक इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें हर डेटाबेस के बीच में एक रिलेशन क्रिएट हो सकते हैं, हो रखे होते हैं। लिखने के लिए कोई सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है। अब इसके लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं, या तो आप MySQL यूज करें, MyAccess, MSAccess यूज करें, Oracle यूज करें, ये सारे सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं किसी भी डेटाबेस से बात करने के लिए, अगर आप स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में किसी डेटाबेस से बात करना चाहते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को यह समझना है कि रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। तो रिलेशनल डेटाबेस वो होता है जिसके अंदर जो डेटा आपका स्टोर होता है वो टेबल फॉर्मेट में स्टोर होता है, और अगर आपका डेटा टेबल फॉर्मेट में स्टोर्ड ना हो रखा हो तो आप उसे नॉन रिलेशनल डेटाबेस कहेंगे। अगर आपका डेटाबेस टेबल में स्टोर्ड है तो उसके लिए आपको इन सॉफ्टवेयर्स की जरूरत पड़ेगी, यानी अगर आप
रिलेशनल डेटाबेस से जिसके अंदर टेबल बनी हुई है उनसे बात करने में। लेकिन अगर आपके डेटाबेस में जो डेटा है वो स्टोर हो रखा है एक लाइन के अंदर, अब ये लाइन का मतलब क्या है, जैसे सपोज करिए मैंने यहां पे एक लाइन लिखी, वी हैव अ सेल्स ऑफ रुपीज 4000 फ्रॉम वेस्ट। अब यहां पर जो डेटा स्टोर हो रखा है वो एक सिंगल लाइन में हो रखा है। आप देख सकते हैं यहां पर एक इंफॉर्मेशन तो ये है 4000 वाली और एक इंफॉर्मेशन ये है वेस्ट वाली जो मेरे काम की है, बाकी की इंफॉर्मेशन मेरे काम की नहीं है, बट हाँ एक इंफॉर्मेशन ये भी है जो मेरे काम की है। तो इसके अलावा जो वर्ड्स यहां पे लिखे हुए हैं वो मेरे काम के नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपके जो डेटाबेसेस हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो डेटाबेस जो होते हैं वो आपके पास चार प्रकार के होते हैं, बेसिकली DDL, DML, DCL और DQL। तो ये चार प्रकार के डेटाबेस होते हैं जिनसे आप अपने किसी भी डेटाबेस पर काम कर सकते हैं। तो होते क्या है, बात करते हैं एक एक करके, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो हमारा पहला जो स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं DDL। अब DDL का मतलब होता है डेटा को डिफाइन करने के लिए हमें एक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। अब लैंग्वेज से मेरा मतलब है एक्सेल, अगर आपने पढ़ा है तो एक्सेल के अंदर फंक्शंस होते हैं, तो लैंग्वेज से मेरा मतलब है फंक्शंस। तो ये बहुत सारे फंक्शंस यहां पर डिफाइन किए गए हैं। अगर मुझे किसी डेटाबेस से बात करनी है उसके लिए मुझे सबसे पहले क्रिएट फंक्शन सीखना पड़ेगा, फिर मुझे ऑल्टर फंक्शन सीखना पड़ेगा और मुझे ड्रॉप फंक्शन सीखना पड़ेगा। यानी लैंग्वेज डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए आपको ये तीन कमांड आनी चाहिए। इस कमांड का इस्तेमाल आप टेबल को क्रिएट करने के लिए करेंगे किसी भी डेटाबेस के अंदर, इस कमांड का इस्तेमाल आप टेबल के अंदर डेटा को मॉडिफाई करने के लिए यूज करेंगे, और इस कमांड का इस्तेमाल आप डेटा में से इनसाइट्स, डेटा में से चीजों को डिलीट करने के लिए करेंगे। तो कहने का मतलब है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में जो आप फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं यानी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें आप तीन काम कर पाएंगे। क्लियर है। बात करते हैं दूसरी तरह की लैंग्वेज जो कि है आपकी DML। अब ये DML लैंग्वेज क्या होती है, DML लैंग्वेज को डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहा जाता है। यानी इसमें आप जो फंक्शंस इस्तेमाल करेंगे उससे आप डेटा को मैनिपुलेट कर पाएंगे। अब मैनिपुलेशन का मतलब तीन बातें होती हैं, पहला इंसर्ट कर पाएंगे, दूसरा अपडेट कर पाएंगे और तीसरा डिलीट कर पाएंगे। इन्हीं तीन बातों को हम मैनिपुलेशंस कहते हैं, किसी डेटा के साथ मैनिपुलेशंस करना, यानी कोई नया रिकॉर्ड क्रिएट करना, कोई डेटा को मॉडिफाई करना या कोई डेटा को डिलीट करना, ये तीन काम आप कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, तो नेक्स्ट सेक्शन आता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। यानी अगर आप अपने डेटा में कोई कंट्रोलिंग लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दो फंक्शंस इस्तेमाल करने होंगे, एक ग्रांट और एक रिवोक। ग्रांट का मतलब है कि अगर आप अपने किसी यूजर को प्रिविलेजेस देना चाहते हैं, कुछ बेनिफिट देना चाहते हैं जो इस डेटा को एक्सेस कर रहा है, तो उसके लिए आप ग्रांट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप वो प्रिविलेजेस, जो बेनिफिट्स आप उस यूजर को दे रहे हैं वो अगर उसे वापस लेना चाहते हैं तो आपको रिवोक फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी रिवोक लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी। क्लियर। नेक्स्ट सेक्शन बात करते हैं DQL। तो DQL का मतलब होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। इसका मतलब आपको अगर अपने डेटाबेस से बात करनी है, क्वेश्चंस पूछने हैं, सवाल पूछने हैं, तो उसके लिए आपको DQL क्वेरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसमें आप सिलेक्ट डेटाबेस का यूज करेंगे, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप अपने टेबल से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं और अपने डेटा से बात कर सकते हैं, और जितनी टेबल्स आपके पास हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सारी टेबल से अपने आप इस क्वेरी की मदद से बात कर सकते हैं और सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब समझना बहुत जरूरी है कि कोई डेटाबेस क्या होता है। तो बेसिकली डेटाबेस का मतलब है कि आपके डेटा में इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर हो रखी होती है। तो अगर किसी डेटाबेस में आपको समझना है कि इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर हो रखी होती है, तो समझिए सबसे पहले एक एरिया होता है जिसे हम डेटाबेस बोलते हैं। तो ये है वो एरिया जिसे हम डेटाबेस बोल रहे हैं। उसके बाद उस डेटाबेस के अंदर आपके पास अलग अलग सेक्शंस होते हैं, जैसे टेबल वन और टेबल टू। ओके। उसके बाद उस सेक्शंस के अंदर डेटाज होता है, ठीक है, इस तरीके से। और उसके अंदर भी अगर आप चेक करें तो आपके पास रोज एंड कॉलम्स में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो अगर बात करें तो ये होता है एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी, क्योंकि आपके डेटाबेस में जो इंफॉर्मेशन पड़ी है वो पहले डेटाबेस फॉर्म में पड़ी है, और उसका नेक्स्ट स्टेप है टेबल फॉर्म, और उसका नेक्स्ट स्टेप है दैट इज डेटा फॉर्म, और उसका नेक्स्ट स्टेप है दैट इज रो एंड कॉलम फॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके टेबल का स्ट्रक्चर क्या होता है। याद रखिए आपकी SQL के अंदर टेबल का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो जो आपके टेबल्स, अगर डेटा की इंफॉर्मेशन इस तरीके से पड़ी है आपके पास, इस तरीके से, इस फॉर्म में, तो इसे आप कॉलम्स बोलते हैं। ठीक है। इसे आप कॉलम्स बोलते हैं या इन्हें आप फील्ड्स भी बोल सकते हैं। लेकिन जब इंफॉर्मेशन आपकी रो फॉर्म में पड़ी हो, ऐसे इस तरीके से, रोज फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन होती है उन्हें हम रिकॉर्ड्स बोलते हैं। तो याद रखिएगा इनके नाम थोड़े से बदल गए हैं, यानी अगर आप SQL में काम कर रहे हैं तो आपको रोज को रिकॉर्ड बोलना है, और अगर आप कॉलम्स की बात करें तो कॉलम्स को आप फील्ड्स बोलते हैं। चलिए बात करते हैं अब आपके पूरे SQL के अंदर आप चार काम करने वाले हैं। यानी ये चार काम क्या है, क्रूड। ये चार काम क्रूड का मतलब क्या है, दैट्स इट। फर्स्ट इज क्रिएट, सेकेंड इज रीड, थर्ड इज अपडेट एंड फोर्थ इज डिलीट।
नेक्स्ट सेक्शन आपका क्रूड ऑपरेशन कुछ इस तरह से परफॉर्म होता है इसमें। अब बात करते हैं कि जो डेटा है आपका किस तरह से आपके डेटाबेस में रखा होता है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन को जानना जरूरी है। देखिए, कोई भी इंफॉर्मेशन जब हमारी किसी फॉर्मेट में, यानी एसक्यूएल में, जब आपकी इंफॉर्मेशन कहीं पर भी पड़ी होती है, स्टोर होती है, तो उसके अंदर आप जब किसी डेटा को स्टोर करते हैं तो उसका एक टाइप होता है। यानी आपको पता है कि अगर मेरे पास नेम नाम का कॉलम है तो ये एक टेक्स्ट कॉलम है, ठीक है, समझ गए। और अगर मेरे पास एज नाम का कॉलम है तो ये एक नंबर कॉलम है। इस बात को तो आप समझते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि यहां पर इसे टेक्स्ट ना बोलकर ये बोलते हैं करेक्टर, यानी CHAR, कहना गलत नहीं होगा कि इसे करेक्टर भी बोला जा सकता है। तो अब इसको टेक्स्ट नहीं बोलेंगे आप क्या बोलेंगे, करेक्टर। अब सिंपल सा मतलब यह है कि अगर मान लीजिए आप किसी डेटा को, जैसे नेम है, अब नेम के अंदर आप चेक करें, यहां पर आपके अलग अलग डेटा टाइप दिए हुए हैं। इन अलग अलग डेटा टाइप से हमारा मतलब क्या है, इसको आप समझ लीजिए। दोस्तों, करेक्टर का मतलब क्या है? अगर किसी डेटा का, किसी कॉलम का या किसी फील्ड का आपका डेटा टाइप करेक्टर है तो उसमें आप 0 से 255 लेटर्स ही डाल सकते हैं, यानी इससे ज्यादा करेक्टर्स नहीं डाल सकते, ओके, सिंपल। और अगर किसी डेटा का डेटा टाइप वेयर कह रहे हैं तो उसमें आप 0 से 255 करेक्टर्स डाल सकते हैं। पर दोनों में फर्क क्या है? अगर मैं बात करूं, अगर किसी डेटा का टाइप करेक्टर है और किसी डेटा का टाइप वेयर कैर है या वेयर कैर है, तो आप दोनों में फर्क कैसे करेंगे? तो लेट सपोज मैं आपको इसे समझाता हूं। बेसिकली मान लीजिए अगर आप किसी डेटा टाइप को करेक्टर लेते हैं, करेक्टर का मतलब है कि आप कितने करेक्टर उसमें स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 10 करेक्टर स्टोर करने की बात करी है, या आपका जो वर्ड है वो 10 लेटर का है और आपने उसके अंदर जो वर्ड स्टोर किए हैं वो 8 हैं। जैसे मेरा नाम है अभिषेक, तो आपने इसमें 8 वर्ड ही स्टोर किए हैं। तो अब जो 2 वर्ड्स हैं उनके लिए जो जगह है वो रह जाएगी, यानी वो जगह अनयूज्ड हो जाएगी और वो क्रिएट भी होगी। यानी इसका मतलब है वो जगह अनयूज होगी और वो शो होगी आपके डेटाबेस में और आपकी आपके प्रोग्राम का जो साइज है वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर बात करें वेयर कैर की, तो वेयर कैर का अगर साइज आपने 10 रखा है तो उसके अंदर अगर मान लीजिए आपका डेटा स्टोर हुआ है अभिषेक, तो ये सिर्फ 8 एरिया ही ऑक्यूपाई करेगा और 2 एरिया को हटा देगा। तो 2 एरिया को वो स्किप कर देगा, हटा देगा, रिमूव कर देगा, क्योंकि अभी आपने सिर्फ 8 वर्ड का नेम ही स्टोर किया है। अब दोस्तों, इसी तरीके से आपके पास एक ब्लॉब का डेटा टाइप है जिसके अंदर आप स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, लेकिन और बड़े स्ट्रिंग्स। आप कोई पैराग्राफ स्टोर करना चाहते हैं तो उस केस में आप ब्लॉब डेटा टाइप को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप कोई इंटीजर, कोई नंबर स्टोर करना चाहते हैं, नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक, तो आप इंट इस्तेमाल करेंगे। और अगर बहुत छोटे नंबर से स्टोर करना चाहते हैं तो टाइनी इंट इस्तेमाल करेंगे, और बहुत बड़े नंबर स्टोर करना चाहते हैं तो बिग इंट इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से डेटा टाइप्स डिफाइंड है। अगर आप डेसिमल नंबर स्टोर करना चाहते हैं तो आप फ्लोट लेंगे, और अगर आप डेसिमल में, अगर मान लीजिए आपकी वैल्यूज काफी बड़ी जा रही है, 23 डिजिट से भी ऊपर जा रही है, डेसिमल में काफी बड़ी वैल्यूज आ रही है और वो खत्म ही नहीं हो रही, डिफाइन ही खत्म नहीं हो रहा, तो भाई उस केस में आप डबल इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपका डेटा टाइप 0 और 1, यानी ट्रू और फॉल्स को डिफाइन कर रहा है, तो उसके अंदर आप बूलियन लेंगे डेटा टाइप। और अगर आपके डेटा में डेट है, डेट के कॉलम्स हैं, तो उसे आप डेट डिफाइन करेंगे, यानी डेटा का टाइप डेट देंगे। और अगर आपके डेटा के अंदर ईयर स्टोर हो रखा है तो आप उसका डेटा टाइप ईयर लेंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह के डेटा टाइप है। आपको जब भी अपने डेटा के साथ बात करनी है तो उनके डेटा टाइप को बनाना जरूरी है। और ये बात करने के लिए नहीं होता, बेसिकली जब भी हम उसमें डेटा एंटर करते हैं तो बेसिकली एंटर करने के लिए ही आपको डेटा टाइप डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तो जब भी कोई फील्ड बनाए तो उसके लिए आपको डेटा टाइप डिफाइन करना जरूरी है कि उस फील्ड का डेटा टाइप क्या है, यानी उस कॉलम का डेटा टाइप आपका क्या है। जैसे कोई भी कॉलम आप बना रहे हैं, नेम का कॉलम हो तो नेम का कॉलम का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, आप देखें यहां पर आपका वेयर कैर होना चाहिए, ठीक है। और अगर एज का कॉलम आप बना रहे हैं तो उसका इंट होना चाहिए, ठीक है। आप तो ये थे कुछ मेथड जिससे मैंने आप लोगों को कंप्लीट एसक्यूएल के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, ऑथेंटिक लगी हो और आपको इस वीडियो से काफी बेनिफिट मिला हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।